Hey friends, what is up? Welcome to another video. I am your friend Rahul and it's Foodie Rahul. Let's start it. So friends, आशा करता हूँ आप सब लोग घर में हो और सुरक्षित हो। आज हम एक टेक के वीडियो बनाएंगे। So friends, आज हम बात करेंगे कुछ एप्स के बारे में जो आपके मोबाइल में रहते हैं और आपके मोबाइल को हार्म करते हैं। तो मैं इन एप्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी आपका प्राइवेसी जो एप्स मेंटेन नहीं कर पाता, यूसी ब्राउजर, डेटिंग एप्स और सब कुछ एप्स है जो आपके प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाता। यूसी ब्राउजर को 2-3 बार प्ले स्टोर से रिमूव भी कर चुका है प्राइवेसी के वजह से। और डेटिंग एप्स ऐसा एप्स है जिसमें आप अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हो और वहाँ से भी डाटा लीक हो सकता है आपका। और कुछ कुछ एप्स ऐसे भी होता है जो आपका फ्रंट कैमरा को एक्सेस कर लेता है और वहाँ से भी डाटा लीक करता है। कभी कभी तो आप नॉर्मल क्रोम में भी ब्राउज करो तब भी कभी कभी उसी ब्राउजर को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन टाइप का आ जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है आप एक लिंक में जहाँ पे यूसी ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए बोलता है आपके मोबाइल हार्म में है ये सब करके। तो आप इन सब ऐप के थोड़ा बच ही रहिए। यूसी ब्राउजर डाउनलोड के लिए बहुत अच्छा ऐप है मैं जानता हूँ, बट आपके फोन को हार्म कर सकते हैं। और जो सब ऐप के बारे में ज्यादा आपने नहीं सुना हो तो डायरेक्ट नॉर्मल जाके प्ले स्टोर में ऐसे ही देख के कोई ऐप डाउनलोड मत कर। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरीज ऐप के बारे में। तो सेकंड कैटेगरीज ऐप में आते हैं कुछ ऐसा ऐप जो आपके मोबाइल का बैटरी को काम कर सकते हैं, बैटरी को जो कैपेसिटी हो वो कम कर सकते हैं। तो DU बैटरी सेवर टाइप्स के कुछ बैटरी सेवर्स ऐप होता है जो प्ले स्टोर में बहुत अवेलेबल होता है इजीली, और वो सब ऐप्स आप लोग इजीली इंस्टॉल कर लेते हो क्योंकि आपका रैम मैनेजमेंट करता है वो सब, इसलिए आप वो ऐप्स को इजीली इंस्टॉल कर लेते हो। तो यही आपकी गलती है, वो ऐप आपके बैटरीज को बिल्कुल नहीं बचाता और ड्रेन करता है बैटरीज को। आपके रिसेंट ऐप्स जो है उन सबको क्लीन करते रहता है और इससे आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है फोन का। और इनमें भी किसी किसी ऐप में आपको आपके प्राइवेसी का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इन सब बैटरी सेवर ऐप को आप बिल्कुल मत इंस्टॉल कीजिए, ये बैटरी सेफ नहीं, बैटरी को ड्रेन ज़्यादा करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो थर्ड और फाइनल जो कैटेगरी है वो कुछ ऐसे ऐप्स है जो आपको हार्म नहीं करता बट आपका मोबाइल का जो डाटा है उसको खाता रहता है। तो आपके मोबाइल में ऐसा बहुत सारे ऐप्स पहले रहते हैं जिनको आप कभी कभी यूज करते हो और वो ऐप आपका बैकग्राउंड में चलते रहता है। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ, एक ऐप है आपके मोबाइल में जो ट्रैवल के रिलेटेड है, जिसमें आप होटल बुकिंग करते हो, ट्रेन का टिकट मतलब परचेस करते हो, बट अभी आप 21 डेज के लिए घर में हो और मान लो आप कभी कभी बाहर जाते हो तो वो ऐप आपको मोबाइल में इंस्टॉल हुआ ही रहता है और आपके मोबाइल का जो डेटा है उस कुछ पार्ट मान लो 10 MB हर दिन का वो खाता रहता है बैकग्राउंड में चलते हुए, ऐसा नॉर्मल होता ही है। तो आप 2 महीने तक एक ऐप को 10 MB करके क्यों खाना दो, 600 MB आपका एक ऐप ऐसे ही खा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है आप उस ऐप को इंस्टॉल कर दो और जब जरूरत पड़े तब इंस्टॉल करना। जो जो ऐप आपको ज़रूरत का है वही सब आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपका कोई ऐप है जो बहुत दिन से पड़ा रहता है और कोई काम का नहीं है तो वो ऐप आप इंस्टॉल कर लो, इससे आपका मोबाइल का डाटा जो है। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ, मोड ऐप्स को आप इंस्टॉल मत करना। बहुत सारे प्ले स्टोर में पेड ऐप्स होता है उसके मोड ऐप्स आपको मिल जाता है गूगल में और ऐसे वैसे प्लेस से बहुत सारे ऐप्स होते हैं वहाँ पर भी मोड ऐप्स मिलता है। तो उन मोड ऐप्स को आप इंस्टॉल मत करना, ये आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल हो सकता है। दोस्तों, ऐप्स आपके मोबाइल की एक ऐसा चीज़ है जो आप हमेशा यूज़ करते हो, ऐप्स के बिना आपका मोबाइल का कोई मतलब ही नहीं। आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो ऑथेंटिक ऐप हो, जो ज़्यादातर यूज़र यूज़ करता हो, जिसमें यूज़र रेटिंग अच्छा हो, वैसे ही आप इंस्टॉल कीजिए। चाइनीज ऐप, जापानीज ऐप, कुछ कुछ ऐप्स ऐसा होता है आपको फोटो में प्री एडिटेड फिल्टर लगा के देते हैं, देख के आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप इंस्टॉल कर लेते हो, पर क्या मालूम वो ऐप आपका एक्सेस ग्रांट करके आपका ही डाटा लीक कर रहा हो। इससे अच्छा ही ना आप कुछ सिलेक्टेड ऐप यूज़ करो और अच्छा ऐप यूज़ करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो का मोटिव मेरा यही था, आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो उससे आपका मोबाइल सेफ रहे और आपके मोबाइल का स्टोरेज भी अच्छा रहे। तो कुछ एक लास्ट सजेस्ट देना चाहता हूँ कि गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे गूगल फोटोज, गूगल
फोल्डर, फाइल मैनेजर, इन सब ऐप को आप यूज करो। इससे क्या होता है, उनके क्लाउड में आपका फोटोज वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर नॉर्मल मोबाइल से वो फोटोज को डिलीट भी कर दो तो गूगल के क्लाउड में सेव रहता है, इससे आपका मोबाइल स्टोरेज बचता है। एक नॉर्मल टिप था बहुत, आप सभी लोगों को पता ही होगा, कुछ अगर लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए मैं ये बता दिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद रहा तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वन के कर दो भाई जल्दी से जल्दी। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहाँ पर जाके भी फॉलो कर देना। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।